सेफ ऑडियंस के बाद अगली ऑडियंस हम जो क्रिएट आउट करते हैं फेसबुक एड्स के लिए, वो हमारे पास यहाँ पर लुक अलाइक ऑडियंस कहलाती है। लुक अलाइक ऑडियंस आपकी वो ऑडियंस होती है जिन्होंने आपके ब्रांड्स, आपकी वेबसाइट, आपके फेसबुक पेज का 100% विजिट किया होता है। हम लुक अलाइक ऑडियंस क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि हमारे पास जो हमारी ऑडियंस है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर्ड आउट हो और हमें पता हो कि कितने हमारे पास ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे पेज, हमारे वेबसाइट, हमारे एप्लीकेशन और हमारे एड्स का विजिट किया है। तो सबसे पहले क्रिएट ऑडियंस के बटन पे क्लिक करेंगे एंड देन हम लुक अलाइक वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले आपकी, अगर आप चाहो तो एग्जिस्टिंग ऑडियंस का यूज कर सकते हो जो कि आपकी वैल्यू बेस्ड ऑडियंस होती है, या फिर आप यहाँ से अगर किसी स्पेसिफिक पेज को टारगेट कर रहे हो तो आप जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से जो है अपना पेज सिलेक्ट आउट कर लिया है। अब आप यहाँ से दो तरीके के ऑडियंस ले सकते हो, या तो कस्टम ऑडियंस ले सकते हो या फिर कस्टम ऑडियंस विद कस्टमर वैल्यूज भी दे सकते हो। इस ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे। अब आप अगर यहाँ से ऑडियंस सेट करना चाहते हो तो आप ऑडियंस सेट कर सकते हो। मैंने कंट्री के अंदर इस वक्त मैं पाकिस्तान की कंट्री को टारगेट कर रही हूँ। समटाइम क्या होता है, हम जो है वो अपना एड किसी स्पेसिफिक कंट्री के लिए चलाना चाहते हैं या किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए चलाना चाहते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर उस लोकेशन को एड आउट करते हैं। तो मैंने बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पाकिस्तान को एड किया हुआ है। इसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो आप ऑडियंस का साइज जो है यहाँ पर देख सकते हो। तो ऑडियंस का साइज आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंगली इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो कि अगर मैं 7% लोकलाइज ऑडियंस देखूं तो कितना ज्यादा जो है मेरे पास यहाँ पर एस्टिमेट रीच रहता है। मैं आपको इसे जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर 7% पे ये कितना ज्यादा एस्टिमेट रीच रहता है। अगर मैं इसको जो है यहाँ पर 10% पे कर दूं तो एस्टिमेट रीच यहाँ पर इंक्रीज होता जा रहा है मेरे इस पेज से रिलेटेड। और अगर इसको मैं सिर्फ 1% पे रखती हूँ तो भी आप देखो कि कितनी ज्यादा ऑडियंस है जो कि इस एस्टिमेशन के लिए मेरे पास अवेलेबल है। तो आप यहाँ से क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लुकअलाइक जो मेरी ऑडियंस है वो यहाँ पर क्रिएट होने लगी है मेरे इस पेज के लिए। आप एक और तरीके से भी इस ऑडियंस को यूज कर सकते हो अगर आप कस्टम ऑडियंस का यूज करना चाहते हो। अब मैं यहाँ से पेज सेलेक्ट नहीं करूंगी, पेज की जगह अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अब क्रिएट न्यू सोर्स में कस्टम ऑडियंस के ऊपर क्लिक करूंगी। आप कस्टम ऑडियंस, आप कौन सी ऑडियंस ले सकते हो, आप अपनी वेबसाइट की ऑडियंस ले सकते हो, आपके एप्लीकेशंस की ऑडियंस ले सकते हो। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की है उसकी आप स्पेसिफिक ऑडियंस लेना चाहते हो तो आप उसकी ऑडियंस ले सकते हो। ई कॉमर्स का बिजनेस है, चाहते हो कि आप शॉपिंग से रिलेटेड ऑडियंस को सर्च आउट करो, उसकी ऑडियंस आप यहाँ पर स्पेसिफिकली जो है टारगेट कर सकते हो, उसको लुक अलाइक बना सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज को मैंने भी आपको लुक अलाइक बनाकर दिखाया है। तो मैं यहाँ से अब योर सोर्स में वेबसाइट ले लेती हूँ और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देती हूँ। सोर्स मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है वेबसाइट। आप चाहो तो आप यहाँ पर एनी का ऑप्शन या फिर ऑल का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एनी का मतलब ये होगा कि कोई भी ऐसे लुक अलाइक ऑडियंस जो गिवन क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हो, और ऑल का मतलब होगा कि वो ऑडियंस जो कि इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करती हो। तो मैं यहाँ से इसे एनी पर रखती हूँ। अब आप यहाँ से जो है आपकी जो है कि कहते हैं ऑल वेबसाइट विजिटर्स ले सकते हो, स्पेसिफिक पेज के लिए ले सकते हो, या फिर टाइम स्पेंड के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर बना सकते हो। तो हम स्पेसिफिक पेज के लिए ले लेते हैं एंड यहाँ पर हम रिटेंशन ले लेते हैं 30 डेज के लिए। आप कम या ज्यादा भी इसको कर सकते हो। देन जो है आपने इसको यहाँ पर कंटेन पे रखना है, डू नॉट कंटेन इक्वल्स के ऊपर हम इसको सेट नहीं करते, हमेशा हम इसको कंटेन पे रखते हैं। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करना चाहते हो डिवाइस वाइज कि कौन सी डिवाइस में रहे, मोबाइल डिवाइस में, एंड्रॉयड पे, डेस्कटॉप पे, किस तरीके से टारगेट करना चाहते हो तो आप उस तरीके से भी जो है वो इसको यहाँ पर टारगेट आउट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली जो है अगर टारगेट करना चाहो तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली भी इसको आप टारगेट कर सकते हो। ऑडियंस का नाम हमें यहाँ पर जो है पर गिवन आउट देना होगा, तो मैं यहाँ पर दे देती हूँ रियल वेबसाइट ऑडियंस। अच्छा, इसको बनाने के बाद आपको कम से कम भी जो है
अगर आप कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, अदरवाइज आप क्रिएट ऑडियंस के बटन के ऊपर क्लिक कर दो। इसको बनाने के बाद जो है यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो है यहाँ पर आपने एटलीस्ट 30 मिनट्स का वेट करना है। 30 मिनट्स के बाद आपकी ऑडियंस यहाँ पर क्रिएट आउट होती है। तो मैंने ऑलरेडी पहले एक ऑडियंस बनाकर रखी थी वेबसाइट से रिलेटेड, तो अभी यहाँ पर 30 मिनट्स कंप्लीट नहीं हुए, बट जो इसका एस्टिमेट आ रहा है वो बिलो 1000 यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। यूजर्स के अंदर आप देखो अभी जो है कैंपेन यूज में नहीं आई है क्योंकि मैंने कोई एड नहीं लगाया, और हिस्ट्री के अंदर यहाँ पर मेरे पास कस्टम ऑडियंस क्रिएट है जो कि मेरी वेबसाइट से रिलेटेड है। तो इस तरीके से जब हमारा अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर यहाँ पर गुजर जाएगा, तो गुजरने के बाद क्या होगा यहाँ पर इस तरीके से उसकी भी पूरी की पूरी समरी वगैरह जो है वो आना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी दोनों ऑडियंस को क्रिएट करते हैं, लोकल लाइक ऑडियंस को भी और आपकी सेफ ऑडियंस आपने पिछले वीडियो के अंदर क्रिएट आउट करना सीखी। ये दोनों ऑडियंस हमने क्यों बनाई है, इसका फर्दर यूज हम एड्स के अंदर सिलेक्ट आउट करेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने फेसबुक एड्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हम किस तरीके से फेसबुक एड्स को क्रिएट आउट करते हैं। एड्स को क्रिएट करने के लिए आपके मेटा बिजनेस सूट के अंदर ऑल टूल्स में आपके पास एड मैनेजर्स का एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। आपने इस ऑप्शन को यहाँ से ओपन अप कर लेना है। मीनवाइल ये ऑप्शन ओपन अप होता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि फेसबुक एड का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। किसी भी फेसबुक एड में हम पहले एक कैंपेन को क्रिएट आउट करते हैं, देन हम उसमें मल्टीपल एड सेट्स को ऐड करते हैं, एंड आफ्टर दैट हम उसमें डिफरेंट टाइप के एड्स को क्रिएट आउट करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा जो एड कैंपेन का लुक है वो आ गया है। अब हम यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंट टाइप के एड्स को क्रिएट आउट कर सकते हैं अपने कस्टमर के लिए, और फिर उसके प्रोडक्ट के लिए जो है इन एड्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं और लीड जनरेशन को यहाँ पर अवेयर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 टाइप की कैटेगरीज हैं एड्स बनाने के लिए। सबसे पहले आपके पास अवेयरनेस एड्स हैं जिनके अंदर आपके पास ब्रांड अवेयरनेस और रीच के एड्स होते हैं। अगर आपका कोई नया ब्रांड है जो कि अब तक मार्केट में लॉन्च आउट नहीं हुआ तो उसके रिलेटेड एड्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। देन हमारे पास यहाँ पर कंसिडरेशन के अंदर आपके ट्रैफिक एड्स मौजूद हैं, आपके एड्स की एंगेजमेंट मौजूद है, आपके एड्स आपकी किसी भी एप्लीकेशन के लिए किस तरीके से चलते हैं, तो आप उनके लिए ऐप इंस्टॉलर का एड्स क्रिएट कर सकते हो। अगर किसी वीडियो के लिए व्यूज लेना चाहते हो तो आप वीडियो एड्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आप लीड जनरेशन करना चाहते हो तो आप लीड जनरेशन के लिए भी यहाँ से जो है वो कैंपेन्स को रन कर सकते हो। पहले क्या होता था कि हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट के ऊपर अपने गूगल फॉर्म्स का यूज करते थे लीड जनरेशन के लिए, बट दिस टाइम फेसबुक ने इस फीचर को फेसबुक के इंट्रोड्यूस करवा दिया है कि अब वो यूजर की अकाउंट इंफॉर्मेशन के थ्रू ही लीड्स को जनरेट कर लेता है। मैसेज एड्स कैंपेन के अंदर क्या होता है आपके पास कि आप यहाँ पर अगर कोई बंदा आपकी वेबसाइट का या आपके कैंपेन का विजिट आउट करता है तो आप मैसेज के जरिए उसको अवेयरनेस पहुंचा सकते हो कि वो अपने एड्स को यहाँ पर आपकी एड्स को देखकर यहाँ पर आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। नेक्स्ट कैटेगरी होती है आपकी कन्वर्जेंस की कैटेगरी। बेसिकली ये जो कन्वर्जेंस की कैटेगरी के एड्स होते हैं जिनमें कैटलॉग एंड स्टोर ट्रैफिक एड्स शामिल होते हैं, ये वो एड्स होते हैं जो आपके ई कॉमर्स बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर एड्स को क्रिएट आउट करते हैं, और मैं आपको यहाँ पर एड्स क्रिएट आउट कर बताऊंगी। मीनवाइल अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस डिजिटल मार्केटिंग सीरीज की कोई वीडियो मिस आउट की है तो उसका प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मेक श्योर कीजिए कि उसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिए।